अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ड्रिबल में कैसे अपलोड कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट, वो सीखेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी ड्रिबल की वेबसाइट पर आ जाएँ, उसके बाद सिंपल आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। और अब ये आपसे पूछ रहा है कि कोई इमेज या कोई थंबनेल इधर ड्रॉप करें, ठीक है। और याद रहे कि आपने जो इमेज अपलोड करनी है वो या तो इन्हीं फॉर्मेट्स में हो, ठीक है, और दूसरा इसी डायमेंशन में हो। इसके अलावा डायमेंशन में होगी तो या तो पूरी नहीं आएगी या तो वो इसको लाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इमेज आ गई, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा, बाकी मेरे पास ठीक है। और उसके बाद आप इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं इस इमेज के बारे में, जैसे मैं तो लिख देता हूँ मेंटेन सोशल डिस्टेंस, ठीक है, ये लिख दिया। इसका नाम है, मैं तो लिख देता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन ड्रिबल, ठीक है। अब अगर आप इसको सेव एज ड्राफ्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिलहाल हम। अब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसके अंदर वो है टैग्स का। टैग्स का फंक्शन हर चीज़ में ही बहुत बेहतरीन होता है। तो टैग्स में मैं ग्राफिक डिज़ाइन लिख देता हूँ, ठीक है, और अपने आप से इधर अपना नाम भी लिख देता हूँ ज़रा, बाकी मैं और भी लिख देता हूँ डिज़ाइंस, कोरोना लिख देता हूँ इधर। मैंने 4 टैग्स डाले, ठीक है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। इधर आप लोगों को सजेशन भी दे रहा है, रिकमेंडेशन, वो भी आप उससे डाल लें टैग्स, ठीक है, मैंने डाल लिए। फिर है लुकिंग फॉर फीडबैक, कि क्या आप दूसरों के फीडबैक लेना चाहते हैं, कमेंट्स लेना चाहते हैं। तो मैंने इसे ऑन किया हुआ है, अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये ऑप्शन है मेरे पास, ये मैं नहीं एक्सप्लोर कर सकता, इन पर मैं एक्सेस नहीं है मेरी, क्यों, क्योंकि मेरे पास ड्रिबल प्रो नहीं है। ड्रिबल प्रो में ये है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इसको डालना चाहते हैं, इसको डाउनलोड्स में डालना चाहते हैं, इसको सेल के लिए डालना चाहते हैं, ठीक है, परचेजिंग के लिए, या इसको स्केजुअल करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप प्रो पे हैं, ड्रिबल प्रो पे हैं। लेकिन मैं नहीं हूँ, तो मैंने सिंपली क्या किया है कि ये काम करके पब्लिश नाउ पे क्लिक कर दूँगा। पब्लिशिंग कह रहा है, थोड़ी देर में ही पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये मेरे पास अब पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं आप दोबारा से तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एडिट पे क्लिक किया, अब अगर आप इस पर अपना नाम चेंज करना चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा दोबारा से। मैं क्लोज कर देता हूँ इसके से कैंसिल। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल्स देखनी है, कितने व्यूज़ इसको मिले हैं, इसके सेव्स, लाइक्स, कमेंट, ठीक है, टैग्स आपने जो डाले हैं वो दिखाएगा ये आपको। अगर आपने इसको शेयर करना है किसी और जगह पे, जैसे पिंट्रेस्ट या ट्विटर है, उस पर भी आप कर सकते हैं, या सिंपली आप इनका लिंक कॉपी कर लें अपने, ठीक है। और अगर अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसको, फेसबुक इंस्टाग्राम पे इसको लिंक करना तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फीडबैक, अगर किसी ने इस पर फीडबैक दिया है तो फिर फीडबैक भी इस पर शो हो जाएगा, ठीक है, और इसमें आपके लाइक्स जो भी हैं वो भी शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये प्रोजेक्ट जो हमारा है अपलोड हो चुका है, नीचे आप लोगों का लोगो आ जाएगा, ठीक है, और साथ आपका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रमोट, अगर आपने इसे करना है तो प्रमोट भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। प्रमोट में क्या है कि जिस तरह फेसबुक पे हम बूस्ट करते हैं उसी तरह इस पर पोस्ट आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर कह देता हूँ प्रमोट, टैग्स इसी तरह है मेरे पास, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो लिंक है वो इसी शॉर्ट का हो, ठीक है, मेरे प्रोफाइल का ना हो या किसी URL का नहीं, इसी शॉर्ट का हो। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, फिर ये कह रहा है कि अपना बजट बताएँ, जिस बजट के अंदर आप रखेंगे उसी हिसाब से आपको इम्प्रेशन आएंगे, ठीक है।
जितना आपने रखना आप रख सकते हैं, ओके। आपके जो इम्प्रेशन है उसी तरह इंक्रीज होते जाएंगे। ये आप करेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बटन लिंक है वो आ रहा है द शॉर्ट पेज, तो मैंने ठीक है यही किया। टोटल व्यूज़ 2000 आएंगे और प्राइस बता रहा है, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट किया तो मैं कह रहा है पेपाल, ये अपने कार्ड से इंफॉर्मेशन दें और पे कर दें और आपकी जो पोस्ट है वो बूस्ट हो जाएगी या प्रमोट हो जाएगी, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपने व्यूज़ गेन करने हैं, ऑडियंस लानी है, तो वो आप ला सकते हैं अपने पेज पे, ठीक है। अपलोडिंग बहुत आसान है ड्रिबल पे, ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ती। सिंपल इमेज इनकी डायमेंशन की हो, इनकी MB की रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए फॉर्मेट की, और आप सिंपली अपलोड कर सकते हैं और इसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक और बहुत ही मज़े का एक ऑप्शन है कि जो आपकी इमेज में कलर पैलेट इस्तेमाल हुए हैं वो इधर शो कर देगा। जब आप उन पर क्लिक करेंगे तो उन्हीं पैलेट्स के हिसाब से आपको ये आगे जाके पिक्चर्स दिखा देगा, ठीक है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारे पास फीचर, हालांकि इतना इस्तेमाल होने वाला नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आपने इसको चेक करना तो आप कर सकते हैं। और आखिर में अगर आपने डिलीट करना है इसको, तो डिलीट का ऑप्शन बिल्कुल सामने आपकी पोस्ट के नीचे, तो आप उस पर डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि ड्रिबल पर पोस्टिंग कैसे करनी है और उसको बूस्ट कैसे करना है पोस्ट को। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि जिसने भी इस तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले सकें। तो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।